बर्मा में इसको फौज ने गन के गन मार के इसको मेरा कर दिया। बर्मा से हम इसलिए आया अपनी देश में अपनी जैसे इंसान के हुकूम इंसान की जो हक है इंसान की तरह आदमी जो जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं इस तरह हम अपनी देश में ज़िंदगी गुजार नहीं पाया इसलिए हम अपनी देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। वहाँ हम एक गांव से दूसरे गांव में जा नहीं सकते हम अपने घर से रोटी पानी लेकर उनका काम करना पड़ते वो उनका जो मिलिट्री है जगह हमारे 37 बीघा हमारा ज़मीन था वो सरकार ने कब्जा कर लिया। वहाँ पढ़ाई करने नहीं दे रहा था मेरा बड़ा भाई 10 में था जब 15 साल का था मेरा बड़ा भाई अली जो छोटा था वो भी 8 साल का था 8-9 साल का फिर हम वहीं से आ गया। जब पढ़ाई करने जो थोड़ा सा पढ़ाई करता है उसे तो वहाँ पढ़ाई करके उसको डिग्री मिला ग्रेजुएट होगा अच्छा नंबर मिला उसे तो वहाँ डालते हैं वहाँ जो सर उठा के बात कर सकते हैं। हाँ ये ऐसा हो गया अभी तो मेरे भाई जो है ना उसको तो मेरे ये उसको तो पकड़ के अभी भी जेल में ये ऐसे 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 हालत में क्यों जो हमारा मतलब मैं बच्चे को पढ़ा नहीं सकता स्कूल में मदरसा बंद है मस्जिद बंद है जो हुकूमत ने काम कराने के लिए लेके जाता है पूरा हफ्ता काम करेगा महीना काम करेगा फिर पैसा नहीं देगा फिर घर में बच्चे बच्चे भूखा मरेगा। इसलिए तो हमारा आए थे यहाँ यहाँ आकर बहुत दिक्कत हो रही थी खाना पीने में तो अगर बीमारी में तो ना कपड़ा ना खाना ना पानी ना दिक्कत सारी दिक्कत हुई यहाँ। वो जो सरकार वो बुद्ध धर्म मानते हैं हम तो मुस्लिम तो उनका प्रॉब्लम है हम उनकी तरफ जाए तो उनकी तरफ जाए तो सब कुछ कर सकता है पर हम उनकी तरफ नहीं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सकते 9 तक पढ़ाई कर सकता है हमारे जो हम रहते हैं वहाँ पे अगर पढ़ाई करने की बात क्या फ़ायदा है कुछ नौकरी वोकरी नहीं मिलती सरकारी नौकरी अगर कोई किसी की नौकरी नहीं मिलती पढ़ाई करने के बाद मजदूरी करना पड़ता है बीच बीच में आके वैसे कुली ले जाता है मिलिट्री के जहाज आता है जो नौजवान को पकड़ पकड़ के काम पर ले जाता है कभी कभी उनको वापस देता है कभी कभी देता भी नहीं। वतन का याद आ जाता है अपना घर था अपना जमीन जायदाद सब कुछ था फिर वो छोड़ के यहाँ आया यहाँ भी हमारा ऊपर वही हालत है तो सब ना सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली हमें ना यूएन की तरफ से यूएन ने के कार्ड दिया रिफ्यूजी कार्ड तो वो लेके वो सहारा लेके यूएन का सहारा लेके हम यहाँ रुका हुआ है अभी यहाँ भी जुलम है क्यों देखो ऐसे ज़िंदगी गुजारा कोई नहीं करता। To ask to the world people that what we do don't we have a right to live in this world like other human beings?